आमतौर पर गाली गलौज को असभ्यता का प्रतीक माना जाता है। गाली देने वालों को लोग असभ्य और खराब इंसान समझते हैं। फिर भी जाने अनजाने हम में से ज्यादातर लोग बात बात पर गाली देते दिख जाते हैं। ऑफिस से निकलने में देर हो जाए तो गाली, गाड़ी ड्राइव करते समय अचानक कोई सामने आ जाए तो गाली, यहाँ तक कि अचानक कोई खुशखबरी मिल जाए तब भी कुछ लोगों के मुंह से गाली निकल ही जाती है। आसपास मौजूद लोग बात बात में गाली देने की आदत को भले ही खराब माने, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि गाली देने से व्यक्ति के दिल को काफी सुकून मिलता है और आगे आने वाली मुसीबतों को वो आसानी से झेल जाने को तैयार हो जाता है। इंग्लैंड के कील यूनिवर्सिटी में साल 2009 में एक ऐसा सामाजिक शोध हुआ था जिसमें गाली देने की आदत वाले तमाम लोगों को शामिल किया गया। कुछ दिन के रिसर्च और निगरानी के बाद जो परिणाम आया वो चौंकाने वाला रहा। रिसर्च के मुताबिक गाली देने से किसी भी व्यक्ति को आने वाली किसी भी समस्या या मुसीबत को झेलने और उससे लड़ने की मानसिक तौर पर हिम्मत और ताकत मिलती है। या कहें कि जब एक इंसान को आने वाली किसी दिक्कत के बारे में पता चलता है और अगर ये सुनकर उसके मुंह से गाली निकल पड़े तो ऐसा करके वो अनजाने में ही अपने दिल दिमाग को उसके लिए तैयार कर लेता है। रिसर्च के दौरान बहुत सारे छात्रों को बर्तनों में रखे बर्फीले ठंडे पानी में हाथ डालने को कहा गया। पानी में हाथ डालते ही छात्रों के मुंह से गाली छूट पड़ी। खास बात ये रही कि गाली नहीं देने के मुकाबले गाली देने वाले ज्यादा देर तक उस ठंडे पानी में हाथ रखने में सफल रहे। अध्ययन के मुताबिक अचानक जोर से चिल्लाने या किसी शब्द के गलत उच्चारण करने से शरीर में मौजूद एड्रेनलिन नाम का हार्मोन तेजी से बाहर आता है जो इंसान के दर्द या मुश्किल झेलने की क्षमता बढ़ाता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।